नमस्कार, आप देख रहे हैं डीबी लाइव। नजर डालते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों पर। काले धन और भ्रष्टाचार के खिलाफ मोदी सरकार का बड़ा फैसला, 500 और 1000 के नोटों पर लगा बैन, लेकिन 10 नवंबर से 30 दिसंबर तक बैंक या डाकघर में बदले जा सकेंगे नोट। ऑनलाइन बैंकिंग सुविधा पर नहीं होगा मोदी सरकार के फैसले का असर, पीएम मोदी ने कहा, भ्रष्टाचार और आतंकवाद के खिलाफ निर्णायक लड़ाई जरूरी, 1000 और 500 के नोट बैन से टेरर फंडिंग और काले धन पर लगेगी लगाम। आज बैंक और डाकघर बंद, 2 दिन के लिए एटीएम से भी नहीं निकाला जा सकेगा कैश, लेकिन पेट्रोल पंप, सरकारी अस्पताल, बस और रेलवे स्टेशन पर स्वीकार होंगे 500 और 1000 के पुराने नोट। अमेरिकी चुनाव में हिलेरी क्लिंटन और डोनाल्ड ट्रंप के बीच कड़ा मुकाबला, अब तक की गिनती में हिलेरी से काफी आगे निकले ट्रंप, 244 इलेक्टोरल ट्रंप के पक्ष में, जबकि हिलेरी के समर्थन में 215 इलेक्टोरल। कैलिफोर्निया में भारतीय मूल की कमला हैरिस बनी पहली भारतीय अमेरिका सीनेटर, कमला ने लोरेटा सांचेस को भारी अंतर से हराया, कमला को 56%, जबकि सांचेस को 26% वोट मिले। तो ये थी इस वक्त की बड़ी खबरें, देखते रहिए डीबी लाइव, क्योंकि यहाँ है खबरें लगातार।